रेजिडेंट तो समझ में आ गया, 6-1 ठीक है, जिसने क्या था 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज, 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 365 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स, दैट द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हाउएवर कंडीशन नंबर 2 तीन जन के लिए नहीं लगती थी, अगर आप इंडियन सिटीजन है और आपकी नौकरी लग गई थी बाहर एंड यू आर लीविंग इंडिया। नंबर 2 इंडियन सिटीजन है और आप इंडिया की शिप में क्रू मेंबर बनके इंडिया के बाहर जाते हैं। नंबर 3 इंडियन सिटीजन और PIO हैं और इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया में विजिट के लिए आए हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में अगर आपकी इनकम फॉरेन इनकम को छोड़ के इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम आपको 60 डेज की जगह 120 डेज के हिसाब से पकड़ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और 1A भी मैंने आपको बता दिया कि आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा अगर आप तीन शर्तें पूरी करते हैं, इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया से 15 लाख से ज्यादा आप कमाते हैं, और तीसरा किसी भी और देश में आप नहीं पकड़े गए बाय द वर्च्यू ऑफ होम रूल। ठीक है, होस्ट रूल में शायद आप 6 देशों में टैक्स जमा करवाते हैं, बट होम रूल की वजह से कोई भी देश आपको नहीं पकड़ पाया, इन दैट केस 6-1A आपको डीम्ड टू बी रेजिडेंट मान लेगा। ये बात क्लियर हुई। अब हमने कहा सर रेजिडेंट तो हम बन गए, रेजिडेंट तो हम बन गए, बट अगर मैं रेजिडेंट ही नहीं बना फिर मैं ये क्यों चेक करूंगा कि मैं ऑर्डिनरी हूं कि नॉट ऑर्डिनरी हूं, बट मैं रेजिडेंट तो पकड़ा गया, मतलब मैं 6-1 में पकड़ा गया या 6-1A में पकड़ा गया, मैं 6-1 में पकड़ा गया दो में से कोई भी एक शर्त में, या 6-1A में पकड़ा गया। अब अगला मुद्दा ये आया कि सर ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी, आप ऑर्डिनरली इंडिया के ही रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरली इंडिया के रेजिडेंट है, ये बात क्लियर हुई। आइए जी अब तो हमने कहा सिर्फ इंडिविजुअल्स और HGF की तीन कैटेगरीज है, सिर्फ इंडिविजुअल और HGF की तीन कैटेगरीज है, बाकी जब कंपनी आएंगे ना तो दो ही हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, वहां पे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई पंगा नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कंपनी के लिए, LLP के लिए, फर्म के लिए, किसी के लिए, तो कहता है ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई पंगा नहीं है, वहां पर तो सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। लेकिन इंडिविजुअल में पहले हमने ये देखना है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, फिर अगला क्या देखना है ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी, HGF में भी देखना पड़ेगा ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी, HGF को बाद में टच करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे पूरा फोकस है। बाकी सब में वो कहता है दो ही कैटेगरीज होती हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब वो कहता है कि जी एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब वो 6-1A की बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी कर देता है, तब हम उसे रेजिडेंट तो कहते हैं ठीक है, बट उसे एडिशनल कंडीशंस भी पूरी करनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशंस अभी तक हमने पढ़ी नहीं, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक कंडीशंस पढ़ी हैं 6-1 की, अब हम एडिशनल कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं जी 6-6 की। एक लाइन ऊपर पेंडिंग है जी, बी पॉइंट 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे, पहले एडिशनल कंडीशंस पढ़ लीजिए। जो मिस्टर ए हैं, ये इस साल बेसिक कंडीशन पूरी कर गए, ये बात समझ में आती है आपको, दोनों में से कोई एक, या 182 डेज वाली या 60 प्लस 365 वाली, इस साल ये पूरी कर गए। अब अगला क्वेश्चन ये, रेजिडेंट ऑर्डिनरी के नॉट ऑर्डिनरी। मैंने मिस्टर ए को बुला के पूछा कि सर पिछले 10 सालों में क्या आप पहले भी कभी इस कंडीशन में पकड़े गए हो, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन जो इस साल पकड़े गए आप, पिछले 10 सालों में, करंट ईयर पे छोड़ दो, पिछले 10 सालों में क्या आप पहले भी कभी पकड़े गए। उसने कहा कि सर सिर्फ एक बार पहले भी पकड़ा गया हूं। तो हमने कहा कि कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, मतलब वो 9 सालों में तो नॉन रेजिडेंट था। दूसरा केस, मिस्टर ए कहता है कि सर मैं पहले भी पकड़ा जा चुका हूं 3 बार। मैंने कहा कि सर आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, क्योंकि ऑर्डिनरीली आप इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। बट अगर इसने कहा कि सर मैं पिछले 10 सालों में इसे 9 बार नॉन रेजिडेंट था, मतलब 9 बार मैंने बेसिक कंडीशन पूरी नहीं की, सिर्फ एक बार 10 सालों में से कभी एक बार मैंने पहले भी कोई बेसिक कंडीशन पूरी कर ली थी। तो हमने कहा कि सर कंडीशन नंबर 1 क्या है, आपको 10 में से 9 बार नॉन रेजिडेंट बनना होगा, नॉन रेजिडेंट बनना होगा, पिछले 10 में से 9 बार आपने इंडिया की बेसिक कंडीशन पूरी ना की हो।
पिछले 10 सालों में से 9 बार इंडिया की बेसिक कंडीशंस पूरी ना की हो, 6-1 वाली बेसिक कंडीशन पूरी ना की हो, तब आप क्या बनते हैं? नॉन रेजिडेंट। ये बात क्लियर हुई? पॉइंट नंबर टू, पिछले 7 सालों में आपका स्टे इंडिया में 729 दिन या उससे कम का होना चाहिए। पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर जो हमारा रेलिवेंट है उसको तो छोड़ दो, उससे पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में आपका जो स्टे है वो 729 डेज और लेस का होना चाहिए। आप इंडिया में इतने इससे ज्यादा तो नहीं रहे पिछले 7 सालों में, कहते कि नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि सर ये भी ठीक है, दोनों शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी, दोनों शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर थ्री, आपको अमेंडमेंट याद है जो 15 लाख वाले पर्सन को हमने कहा था कि 120 दिन के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। उस पर्सन ने कहा कि सर ये आपने मेरे साथ गलत किया, ठीक है। वो कहता है कि सर 182 डेज वाले में आता था, चाहे मैं 15 लाख से कम कमाता था या 15 लाख से ज्यादा कमाता था इंडिया से, मैं तो 182 डेज के हिसाब से था। इस साल आपने क्या बोला? 120 डेज, 182 डेज नहीं, अब आपके लिए 120 डेज अगर आप 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं। ये बात क्लियर है? ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं 6-1, ठीक है। अब वो कहता है कि सर गलत बात, मैं तो फिर इंडिया आऊंगा नहीं, मेरे को तो डर लगता है और मैंने इंडिया नहीं आना। हमने उसको प्रॉमिस किया कि सर आप रेजिडेंट बनाया है, हम आपको NOR बना देंगे, ठीक है। एक आप हमारी मान लो, एक हम आपकी मान लेते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, वो जो पर्सन को जबरदस्ती हमने 182 डेज की जगह 120 डेज में पकड़ लिया था, 120 डेज में पकड़ लिया था, उसको हमने कहा कि सर इतना कर सकते हैं आपके लिए, इतना करेंगे, आपको NOR बनाएंगे, ये प्रॉमिस है हमारा, ठीक है। आपसे ये 10 साल से 9 साल नहीं पूछेंगे, हाँ पिछले 7 सालों में 729 दिन इंडिया में थे या नहीं थे ये भी नहीं पूछेंगे, आपको सीधा नाम लेकर NOR बनाएंगे, ठीक है। तो आप रेजिडेंट बन जाओ, हम इतना कर देंगे, आपको NOR बनाएंगे, आपको कभी भी OR नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो वो कहता चलो ठीक है, ठीक है। और ये जो डीम्ड वाला था 6-1A में जिसको पकड़ के लाए थे, इसको भी हमने यही कहा कि सर आपके साथ धक्का तो कर रहे हैं बट पूरा नहीं करेंगे, आपको रेजिडेंट तो हमने बना लिया बट NOR बनाएंगे, NOR। ये दो अमेंडमेंट्स वाले दोनों को हमने कहा कि सर आपको जबरदस्ती हमने रेजिडेंट तो बना लिया बट इतना भी धक्का नहीं करेंगे, ऑर्डिनरी नहीं बनाएंगे, आपको NOR बनाएंगे, क्योंकि आप बेसिक कंडीशन दोनों पूरी कर नहीं रहे थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? तो दो पॉइंट्स ही नहीं आए जी, मैं फिर से बता देता हूं, जो तो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक पूरी कर गई, उनको हमने कहा कि सर आप दो शर्तें हमारी मान लो और फिर आप बच के निकल सकते हो, 10 में से 9 बार आपको NOR बनना होगा, वो कहता है ठीक है। दूसरे को हमने क्या कहा कि सर पिछले 7 सालों में आपका स्टे 729 दिन या उससे कम का इंडिया में होना चाहिए, 729 दिन 2 साल बनते हैं, 365 into 2 730 days, वैसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, 729 दिन में एक दिन जोड़ लो, मतलब आपका जो स्टे है इंडिया में वो 2 से कम सालों का होना चाहिए, 2 साल मतलब 365 into 2 मतलब 730 दिन, तो आपका जो स्टे है पिछले 7 सालों में 2 साल से ज्यादा आप इंडिया में नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। सो इन दैट केस हमने क्या कहा कि आपका स्टे इंडिया के अंदर अगर पूरे 2 साल का भी है तब भी हम आपको कहेंगे ऑर्डिनरीली आप इंडिया में ही पाए जाते हो, बट अगर आप कहते हैं कि सर मैं 2 साल इंडिया में नहीं था, मतलब 729 दिनों के लिए इंडिया में था या उससे भी कम देर के लिए इंडिया में था, तो भी हमने कहा कि बच के निकल गए। तो दो ही कंडीशन है, दोनों पूरी करनी पड़ेगी, दोनों पूरी करनी पड़ेगी तभी आप बच के निकल पाओ। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया जी, 120 डेज वाले को भी हमने कहा कि सर एक चीज आप हमारी मान लो, एक हम आपको कंसेशन कर देते हैं, हम आपको रेजिडेंट तो बना लिया, ओआर नहीं बनाएंगे, एनओआर बनाएंगे। और 6-1A के अंदर भी जिसको डीम्ड टू बी रेजिडेंट, तो वहां पर भी हमने कहा कि सर आप बुरा मत मानो, आपको ओआर नहीं बनाएंगे, आपको एनओआर ही बनाएंगे। और एनओआर बनाकर वाकई क्या इनको फेवर किया, क्या बचा लिया इनको? द आंसर इज यस, बचा लिया जी। मैं अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि सर NOR में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम ROR में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ROR को है। तो वाकई इन दोनों को फेवर दिया जी हमने,
जब हमने इनको ये बात बोली कि आपको रेजिडेंट तो बना रहा हूं लेकिन ऑर्डिनरी नहीं बना रहा, एनओआर बनाऊंगा। ये बार बार लिखे जा रहे हैं जी फॉरेन सोर्सेज वाले, ठीक है। ऑर्डिनरी लेट अस से आप 10 में से 3 बार बेसिक कंडीशन पूरी कर चुके हैं लेकिन आपका जो स्टे है वो 600 दिनों का है पिछले 7 साल में, ठीक है, आप ऑर्डिनरी है। आपको ठीक है, ठीक है जी, मैंने गलत बोल दिया आपको, और लिखा हुआ है 10 में से 9 बार, और ठीक है द आंसर इज वो एनओआर ही बनेगा जो आपने पूछा था कि वो उसका स्टे 600 दिनों का है बट ऊपर वो 7 बार ही बन चुका है, ठीक है, तो वो बच के निकल जाएगा क्योंकि इसको बी को पकड़ेगा और निकल जाएगा जी, वो एनओआर बन जाएगा।